ना। हाँ यार भाई, क्या लड़कियां थी यार, परियों की तरह। क्यों भाई? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से बाहर आने का। मेरा तो मन कर रहा हर शाम वहीं पे गुजरे। अबे कल पैसा जुगाड़ कहाँ से करेंगे? अबे कल के कल सोचेंगे। मैं बताता हूँ, अपना पापा बैंक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो मेरा हिस्सा 2000 रुपये। पापा मुझे 5000 रुपये चाहिए थे। 5000 रुपये किस लिए बेटा? पापा पढ़ाई में तो पैसा लगता है ना। ठीक है, फिलहाल मेरे पास 2000 रुपये हैं, बाकी 3000 कल ले लूंगा। ठीक है पापा। मेरा 500। 500 में क्या आता है पता है? सागर यार, तू समझा यार इसको। तू कितने लाया भाई? आज तो मालदार पार्टी है भाई। अरे मेरे भाई क्या है ये, 50 रुपए चाहिए? अरे औकात के हिसाब से ही देंगे ना यार, हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह अमीर नहीं है यार। 50 रुपए हाथ पे रखने से पहले 100 सवाल होते हैं। भाई लेकिन प्लान क्या है तू बताओ, प्लान क्या है? चलते हैं फिर बताता हूँ। अरे लेकिन बताओ तो सही, पता तो चलना चाहिए क्या। अच्छा मैं समझ गया है क्या करने वाला है। क्या देख, क्या देख बेटा, अच्छे से जानता हूँ तेरा दिमाग को। लेकिन लेकिन क्या, चलते बता रहा हूँ ना तुझे, क्यों टेंशन ले रहे? मुझे पता है, तू छोड़ छोड़ ना सागे चल। अरे लेकिन पता तो चले, हम भी तो जाने यार, मुझे भी तो घर पे बता। क्या कर रहे हैं?
ओ भाई 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 क्या कर रहे हैं? नाटक के चक्कर में नहीं मिसल फोन लगा लिया। ड्रामा तभी सफल होता है जब वो ड्रामा नहीं रियल लगे। और इतना खून देखकर मेरे बाप तो क्या किसी के बाप भी पैसे देते यार। तो चल देख ले। चल भाई ओके। अंकल बोलेगा अंकल बोले जूता है तो सर पे मारेंगे। अगर अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए का इंतजाम करो और पुराने मंदिर के पास लेकर आ जाओ। अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो अगला वीडियो तुम्हारे बेटे की मौत का होगा। भाई तेरा आइडिया शॉर्टकट जरूर है पर अच्छा एक नहीं बार सोच ले सेंड करने से पहले। भाई तो फोन ले। तेरा वीडियो ये होगा सेंड। सागर तू जाके पैसे ले आओ। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पापा एटीएम के पास खड़े हैं और पैसे निकाल के रखे हैं। बेटा वो मेरे पापा हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरा खून देख के ना उनकी लाइफ में जाएगा पूछा हाल। जब तुम्हें छुड़ाने लेते ना वो बैठेंगे नहीं चैन से। तो तू जाइयो और पैसे ले आइयो। एक काम कर तू भी मेरे साथ चल। अगर कहीं तुम्हारे पापा ने कहा कि पहले बेटा फिर पैसा तो ठीक है सही चल। नितेश की माँ क्या बात है जरा नितेश को फोन तो करो। इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया। घूमता होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। तुम एक काम करो घर में जितने भी रुपए हैं सब लेकर आओ जल्दी करो। क्या बात है इतने रात को रुपयों की क्या जरूरत आ पड़ी? हमारे नितेश को किडनैप कर लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? और वो उसको छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ये देखो वीडियो। ये पैसे लेकर जाइए और नितेश को छुड़ा के लेके आइए। मेरे नितेश को कुछ हो ना जाए। एक किडनैप करने वाले लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। मेरे नितेश को लेके आइए। तुम चिंता मत करो उन लोगों ने आज रात का 12 बजे का टाइम दिया है। भगवान मेरे नितेश को बचा। मैं नितेश को छुड़ा कर ही लाऊंगा। मेरे नितेश को लेके आइए। डोंट वेट। बेटा अच्छी एक्टिंग करना वरना तेरा बाप पैसे नहीं देगा। चल शुरू हो जा। पापा 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 मेरे को बचा लो। मुझे मार डालेंगे पापा 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 प्लीज मेरे को बचा लो पापा पापा प्लीज ये ले बन गई तेरी वीडियो कर दे सेंड अपने पापा को। भाई
Cheers. Cheers. Cheers, bro. पैसे की बारिश होगी। पार्टी पार्टी ब्रो। यार बहुत मजा आ रहा है। दो दिन में 400,000 रुपए हो गए। अब होगी वो भी अपने बाप के पैसे से। बाप के पैसे से याद आया, अभी तो 200,000 रुपए रह गए यार साखर के हिस्से के। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मालूम है मेरे पापा 200,000 नहीं दे सकते। ठीक है, तू गरीब है, तेरे गर्लफ्रेंड का बाप तो अमीर है, वो देगा 200,000 रुपए। नहीं यार नहीं हो सकता, कुछ और सोच। भाई वो भी तरह यूज करती है पढ़ाई के लिए। हाँ वो तेरे साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि तू पढ़ने में अच्छा है। और तू 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 बता, वो है ऐसी लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बनती, हम मर गए थे क्या भाई? 200,000 की बात है। 200,000 की बात है यार, 100,000 तू रखियो, 100,000 हमें दे दियो, 100,000 में तो यार तेरा तेरा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई। तेरी घर भी मिल जाएगी, बोल दियो घर पे, बोल दियो प्राइस में नहीं है 100,000, घर वाले खुश और हम खुश, बाकी हर चीज का ख्याल हम रख लेंगे। क्यों भाई सुन पे छोड़, तू असलिया बोल। ठीक है मैं लेके आता हूँ, लेकिन प्लीज तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम लोगों से दोस्ती तोड़ दूंगा। माँ कसम भाई, भाई दोस्ती की कसम कुछ नहीं करेंगे। चल। अरे सागर आ गए तू? हाय। हेलो हाउ आर यू? हम फाइन। हाय गुड। बर्थडे किसका है? मेरा बर्थडे है इसका। मेरा आई एम द बर्थडे बॉय। ओके बाय द वे मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो क्या पेश करें? मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ तो गिफ्ट लाती ना मैं। नहीं फिर भी नो डोंट एक्चुअली मुझे रियली में खराब लग रहा है। तो फिर बियर? नहीं यार सोम्या आई थिंक पहले हमें बर्थडे केक कट करना चाहिए। पहले पैक डिबेटिंग कर सकती है। नो नो मैं दारू भी पी सकती है सोम्या। पैक नो नो प्लीज एक्चुअली सीरियसली मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। अरे यार हमारा दिल रखने के लिए पी लो प्लीज। आई नेवर ट्राइड, समझाओ ना तुम। लो तू भी पकड़ जल्दी 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 और आप जल्दी जल्दी। ठीक है तुम लोगों का दिल रखने के लिए मैं पी रही हूँ बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली। ओके ओके हमारा दिल रखने के लिए तो पी लो। चीयर्स। चीयर्स। आई वांट बॉटम्स अप बट वेयर इज योर्स? या या वी हैव। ओके चीयर्स। चीयर्स। It's so smelly. बोलिए सर मेरी लड़की का क्या हुआ? सर अभी तक हमारी बच्ची कहीं नहीं मिली, हमारी लड़की कहाँ है बताइए ना सर प्लीज। आप लोग चिंता मत करो, बहुत जल्द आपकी लड़की आपको मिल जाएगी। जय हिंद सर। अभी अभी मैंने पता किया सागर 2 दिन से स्कूल में नहीं आया है। क्या? यस सर। मतलब सागर का ही सब किया कराया है? यस सर। सर ये वीडियो देखिए सर।
जल्दी जाना पड़ेगा, चलिए। तुम तीनों ने सोमिया को शराब पिलाकर सोमिया के साथ क्या किया? उसको शराब पिलाकर बलात्कार किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर राउत, राउत म्हणतात मला, राउत इंस्पेक्टर राउत, माझा इकडे भिंती पण बोलतात। काय केलं तू सोम्याच्या जोडीला? सर मैं सब कुछ सच बताऊंगा सर, आपकी प्लीज हमें नहीं माना सर। कौन सा गेम खेलते हैं? कौन सा गेम? बट एक्टिंग 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 नॉट अ बैड आइडिया, बट आती तो होगी कॉर्ड, वो तो मेरे रग रग में है। तुम्हें पता है ये जो खून है ना, या ये बॉलीवुड मूवीज में ही होता है। ओके है ना? हाँ, जिससे एक्टिंग हमारी परफेक्ट दिखेगी, राइट? सही बात है। अब आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पे सब पक करके रखे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाइए, ये लोग बहुत खराब है, मुझे एक अंधेरे रूम में बंद करके रखे। पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा प्लीज, पापा प्लीज, प्लीज कुछ करो ना प्लीज पापा। आई थिंक सो ये परफेक्ट। हम लोग वहाँ से भाग गए। सर मैं कैसे सोम्या का रेप कर सकता हूँ? मैं तो उसे प्यार करता था। जय हिंद सर। ये लड़के सच कह रहे हैं, इन्होंने रेप नहीं किया। सर ये देखो, फर्श पर 9 नंबर के जूतों के निशान मिले जो इनके पैरों से काफी बड़े हैं। What? Yes, sir. और दूसरी बात, जो वहां से ग्लास और बोतल मिले हैं वो इनके फिंगरप्रिंट से मैच भी नहीं करते। इसका मतलब साफ है, वहां इन तीनों के अलावा कोई और शख्स आया जो अपना काम करके पुलिस आने से पहले ही फरार हो। मतलब ये तीनों के अलावा वहां पर कोई चौथा इंसान मौजूद था। मुझे इस चौथे इंसान की पूरी डिटेल्स चाहिए। सर यही है वो अपराधी जिसने सोमिया का रेप किया है। अभी अभी हमारी टीम ने इसे बस स्टैंड से अरेस्ट किया है। गुड, वेल डन।
सर, सर अब तो आपका आपका असली गुनहगार मिल गया है सर, तो हमें जाने दो सर। तुम भी गुनहगार हो, तुमने अपने माँ बाप को ब्लैकमेल किया, उनका पैसा लूटा, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। तुम भी अपराधी हो। अब आपकी बेटी मिल चुकी है। थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं।